बोर्ड बैठक से पहले वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत। सेबी ने सरकार के बकाए को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रथा अरोड़ा। वोडाफोन आइडिया के लिए राहत की खबर है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने वोडाफोन आइडिया पर सरकार के बकाए रकम को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है। वोडाफोन आइडिया पर कुल 1.92 अरब डॉलर के बकाए रकम को शेयर में बदला जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते साल कर्ज के बोझ तले डूबी टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए बकाए एजीआर पर ब्याज के रकम को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। सेबी ने सरकार को फाइनेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर कंपनी में हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दे दी है। सेबी ने इस फैसले की जानकारी संचार मंत्रालय को दे दी है। सरकार ने बेल आउट पैकेज के साथ वोडाफोन आइडिया को लगातार फंड जुटाने के लिए कहती रही है। इसी के मद्देनजर 21 अक्टूबर 2022 को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी कर अपनी कंपनी पैसे जुटाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जिससे कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार के साथ 5G सेवा को लॉन्च कर सके। वोडाफोन आइडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि शुक्रवार 21 अक्टूबर 2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जिसमें प्राइवेट प्लेस बेसिस पर एक वेंडर को शेयरों में कन्वर्ट करने वाले कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के खत्म होने पर वोडाफोन आइडिया पर 1.98 लाख करोड़ रुपए कर्ज बकाया था। स्पेक्ट्रम भुगतान के मद में 1.16 लाख करोड़ रुपए अब कंपनी पर बकाया है। वित्तीय संस्थानों का कंपनी पर 15,200 करोड़ रुपए बकाया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज़ को फॉलो करें।